नमस्कार, मैं विकास शेरलेकर फ्रॉम LIC। आज का अपना टॉपिक है जीवनधारा। जीवनधारा ये प्लान जो है, इट इज़ अ रिटायरमेंट पेंशन प्लान है। पर बिफोर गोइंग टू डिटेल इन द जीवनधारा, रिटायरमेंट प्लान के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देता हूँ कि क्या क्या, यानी LIC ने अपने पास अलग अलग टाइप के बहुत से प्लान दिए जो हम रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं और पेंशन का प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक एक हम प्लान देखते हैं कि क्या क्या अपने पास दिए हुए रिटायरमेंट प्लान्स कितने हैं, और उसमें से एक ये एडिशनल जीवनधारा प्लान दिए। बिकॉज इससे मुझे एक बताना चाहता हूँ कि अभी अपने पास काम न करने का बहाना नहीं है, क्योंकि हर एक टाइप के प्लान अपने को दिया हुआ है। सो रिटायरमेंट प्लान में अपने पास पहला जो प्लान है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में वी हैव जीवन अक्षय एंड जीवन शांति। ये लमसम इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रीमियम है, बट वी कैन स्टार्ट इन जीवन अक्षय। इमीडिएटली पेंशन से साथ चालू होता है, इमीडिएटली एन्यूटी चालू होता है, एंड जीवन शांति डिफर्ड एन्यूटी, एंड बोथ आर गारंटेड एन्यूटी प्लान्स। दोनों में अभी इंटरेस्ट रेट, जस्ट नाउ इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बढ़ाया है, सो इट इज़ अ गुड प्लान फॉर द लमसम इन्वेस्टमेंट, और गारंटी के साथ अपने को फॉर फ्यूचर यू विल गेट द पेंशन। सो दैट इज़ अ टू प्लान्स इज देयर एग्जिस्टिंग, जीवन अक्षय एंड जीवन शांति। उसके बाद जिसको इन्वेस्टमेंट इन मार्केट में करते हैं, तो उनके लिए LIC ने यूनिट लिंक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है पेंशन प्लस। वेरी गुड प्लान, अच्छा एज ऑन टूडे अच्छा रिटर्न्स भी है, उसका NAV रिटर्न्स भी अच्छा है, और पर्टिकुलरली ये प्लान रेगुलर प्रीमियम के हिसाब से हम पॉलिसी होल्डर को दे सकते हैं, जो आज इन्वेस्ट करेंगे और कल उनको पेंशन आना चालू हो जाएगा। बहुत अलग अलग ऑप्शन से ये प्लान पेंशन प्लस प्लान LIC ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये यूनिट लिंक प्लान जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद होल लाइफ रिस्क कवरेज विथ लाइफ टाइम रिटर्न के साथ अपने पास दो प्लान है, जो जीवन उमंग, जो गारंटी के साथ आफ्टर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स और 25 ईयर्स और 30 ईयर्स, जो भी आपने टर्म फिक्स किया, उसके बाद 8% ऑफ द सम एश्योर गारंटी के साथ चालू रहेगा लाइफ लॉन्ग, विथ इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज बिकॉज बोनस टिल एंड। तो ऐसा एक प्लान LIC ने इंट्रोड्यूस किया था जीवन उमंग। उसके साथ अभी नया प्लान इंट्रोड्यूस किया था जीवन उत्सव, जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, जिसमें हमको उसमें मैच्योरिटी के बाद यानी टर्म खत्म होने के बाद 10% ऑफ द सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिल जाएगा। बट उसमें और एक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम LIC आफ्टर टर्म ओवर, सो इट विल बी ग्रो विद द 5.5% गारंटी के साथ ग्रो होते जाएगा। तो ऐसा ये दो प्लान जिसमें रिस्क कवरेज भी है, रिटर्न्स भी है, और एज पर रूल नया रूल आया है इसके लिए कि 5 लाख तक का जो भी प्रीमियम भरेंगे ये पैसा 100% टैक्स फ्री रहेगा। जो भी प्रीमियम 5 लाख तक का है, वो पॉलिसी है, उसका टैक्स फ्री रिटर्न आते जाएगा गारंटी के साथ फॉर द लाइफ टाइम। तो ये दो प्लान निकाले थे, एंड इट रेगुलर प्रीमियम एंड सिंगल विदाउट रिस्क और गारंटेड पेंशन प्लान, ये एक नया एडिशनल ये किया। यानी अभी तक सिंगल प्रीमियम हमने देखा, यूनिट लिंक देखा, विद रिस्क कवरेज देखा, अभी ये तीनों नहीं चाहिए, है ना, रिस्क कवर नहीं चाहिए, यूनि मार्केट रिस्क भी नहीं चाहिए। तो और एक LIC ने प्लान दिया है, दैट इज़ जीवनधारा। इसमें विदाउट इंश्योरेंस कवरेज है, मार्केट लिंक नहीं है, बट गारंटी के साथ आपको फ्यूचर पेंशन चालू रहेगा। तो चलो हम जीवनधारा के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो जीवनधारा प्लान, इट इज़ अ नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेट इंडिविजुअल सेविंग डिफर्ड एन्यूटी प्लान है, जिसमें आपको डिफरमेंट पीरियड फिक्स करना है, इट इज, और उसके बाद आपको पेंशन आना चालू हो जाएगा। अंडर दिस प्लान एन्यूटी रेट्स आर गारंटेड। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो भी अब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे 15 साल के लिए या 5 साल के लिए, जो भी आप टर्म फिक्स करेंगे, आज ही LIC डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका पेंशन कितना रहेगा। सो इट इज़ अ गारंटेड रिटर्न, गारंटेड पेंशन प्लान है। यूनिक पॉइंट्स क्या है, रेगुलर एंड सिंगल प्रीमियम, यानी आपको चॉइस है, आप सिंगल प्रीमियम में भी भर सकते हैं या रेगुलर, जो भी टर्म आप डिसाइड करेंगे उतना एवरी ईयर यू हैव टू पे द प्रीमियम।
रेगुलर प्रीमियम सिंगल लाइफ एन्यूटी विथ ऑप्शन। अभी ये पॉलिसी में आपको करीबन 11 टाइप के ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन को आपको अभी चूज करना है और उसमें से 11 में से जो मेन ऑप्शन है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज मोर बेनिफिशियल ऑल्सो। तो 11 अपने पास एन्यूटी ऑप्शन दिए हैं, तो वो एन्यूटी ऑप्शन को अपने को अभी चूज करना है और उससे अपने को पेंशन चालू हो जाएगा। सो सिंगल लाइफ एन्यूटी जो ऑप्शन है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10 में है, और 3 ऑप्शन ऐसे है जो ज्वाइंट लाइफ है, यानी मैं मेरे वाइफ के साथ, या अभी LIC ने इतना ब्रॉडली इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि आई कैन टेक द पॉलिसी विथ माई चिल्ड्रंस ऑल्सो, आई कैन टेक पॉलिसी विथ माई ब्रदर ऑल्सो। सो इतना ब्रॉडली ये किया हुआ कि आप किसके साथ भी ये जॉइंटली क्लोज ब्लड रिलेटिव मीन्स ब्रदर सिस्टर या फादर मदर चिल्ड्रन किसके साथ भी ये मैं प्लान जॉइंटली ले सकता हूँ। तो ये 3 ऑप्शन में है। नाउ डिफरमेंट पीरियड, यानी आप अभी पॉलिसी लेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि आपका पीरियड 5 ईयर्स से 15 ईयर्स, आप कौन सा भी टर्म डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर सिंगल प्रीमियम रहेगा सो 1 ईयर्स टू 15 ईयर, तो ये आप डिफर्ड कर सकते हैं। एन्यूटी ऑप्शन विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, इसमें एक नया ऑप्शन जो मैं आपको बोला कि मैं एक दो चार ऑप्शन के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, एक नया इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये जीवनधारा में कि एट द एज ऑफ 80 यू विल गेट, एट द एज ऑफ 80 एंड एज ऑफ 75 यू विल गेट योर परचेस प्राइस, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। एंड और एक ऑप्शन उसमें किया हुआ है कि 76 to 95 एवरी ईयर ऑल्सो यू विल गेट द मनी, सो वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इंसेंटिव फॉर द हाई प्रीमियम एंड हाई परचेस प्राइस, यानी एडिशनल अमाउंट, यानी जो छोटा अमाउंट का पॉलिसी निकालेंगे और एकदम बड़ा अमाउंट का निकालेंगे, तो बड़ा अमाउंट का डायरेक्टली निकालेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा पेंशन रहेगा। इंसेंटिव फॉर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, यानी आप अगर LIC के पॉलिसी होल्डर है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा, या आपका किसी का डेथ क्लेम आया या मैच्योरिटी क्लेम आया और वो आपने इधर ट्रांसफ़र किया तो उसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके कारण आपका पेंशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसमें टॉपअप का भी चॉइस दिया हुआ है कि आप अभी समझो ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं चाहिए प्रीमियम का, क्योंकि आप अगर भाई प्रीमियम डिसाइड करेंगे तो आपको 15 साल या 10 साल जो भी डिसाइड करेंगे वो फिक्स प्रीमियम आएगा, अगर वो लाइबिलिटी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप एक फिक्स प्रीमियम रखें और आप एवरी ईयर टॉपअप करते जाइए, तो वो भी एक फैसिलिटी दिया हुआ है। इट इज़ अ मिनिमम प्रीमियम ऑफ 50,000 रुपीज फॉर द टॉपअप। लिक्विडिटी ऑप्शन फॉर द टू ऑप्शन 2, 9, 10 and 11 रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस का जो ऑप्शन है वो उसमें लिक्विडिटी ऑप्शन है। लिक्विडिटी ऑप्शन क्या है वो मैं डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा ही। एडवांस एन्यूटी ऑप्शन इन द ज्वाइंट पॉलिसी वो भी क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में एडवांस एन्यूटी में ले सकता हूँ आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट पार्टनर। एन्यूटी पेएबल अंडर द पेडअप पॉलिसी ऑल्सो, अगर वो पेडअप पॉलिसी मिनिमम पेंशन अवेल करता है तो एनुअल पेडअप पॉलिसी ऑल्सो विल गेट द पेंशन। अल्टरेशन इन प्रीमियम पेमेंट एंड एन्यूटी मोड, यानी आज मैं ईयरली भर रहा हूँ, मैं थोड़ा दिन के बाद चेंज कर सकता हूँ उसको हाफ ईयरली या क्वार्टरली करना है, या एन्यूटी स्टार्ट होने के पहले आई कैन चेंज द एन्यूटी मोड ऑल्सो। असाइनमेंट इज अलाउड, जनरली पेंशन प्लान में असाइनमेंट अलाउड नहीं रहता है, पर ये प्लान में असाइनमेंट इज ऑल्सो अलाउड। एलिजिबिलिटी क्या है, इंश्योरेंस LIC ने इतना कम किया है एज, पहले हमारे पुराने पॉलिसी में 30 या 40 था, अभी ये पॉलिसी में एज 20 से लेके यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट। एज 20 इज द मिनिमम लास्ट बर्थडे, ये दैट इज द मिनिमम एज। मिनिमम वेस्टिंग एज फॉर द एन्यूटी जो मेन ऑप्शन है 1 to 9 में 35 ईयर्स, यानी अगर 20 साल का लड़का है उसको मिनिमम 15 साल का पॉलिसी लेना ही पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम मैच्योरिटी जो एज इज 35 ईयर्स। एंड फॉर द सिंगल प्रीमियम इट इज़ अ 31 ईयर्स, दैट इज अ 10th and 11th ऑप्शन, जो सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 31 ईयर्स का है, पर अदरवाइज 35 ईयर्स इज द मिनिमम मैच्योरिटी एज, यानी पेंशन स्टार्ट एज।
मैक्सिमम वेस्टिंग एज यानी मैक्सिमम किधर तक जा सकते हैं, तो एज 80 से आपको पेंशन चालू होना ही चाहिए फॉर द ऑप्शन ऑफ 1, 2, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 5, 6, 7 को एज 70 है एंड ऑप्शन 3 एंड 4 को 65 है। तो ये अलग अलग दें पर इन जनरल अगर हम देखेंगे तो 65 टू 80 के एज में वी कैन स्टार्ट द पेंशन। इट इज़ द मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, मैक्सिमम वेस्टिंग एज। मैक्सिमम एंट्री एज इज द 80 फॉर द डिफर्ड पीरियड एंड 5, 6 एंड 7 एज 70 फॉर द माइनस डिफरमेंट पीरियड। ये मैं आपको जब भी आपको पॉलिसी जो ऑप्शन समझाऊंगा ना तभी आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि क्या क्या मैक्सिमम एंट्री एज है। ऑप्शन 3 एंड 4 65 माइनस डिफरमेंट पीरियड, तो ये मैक्सिमम एंट्री एज है एंड डिफर्ड पीरियड 5 to 15 ईयर फॉर द 1 to 9 ईयर्स। यानी जो मेन ईयरली प्रीमियम जो भर रहे हैं वो ईयरली प्रीमियम में आपको ऑप्शन है कि मिनिमम 5 साल तो भरना ही है, मैक्सिमम अप टू 15 ईयर्स तक आपको प्रीमियम भरना है एंड फॉर द सिंगल प्रीमियम 1 to 15 ईयर्स इज द डिफरमेंट पीरियड। मिनिमम एन्यूटी शुड बी द 1,000 रुपीज एंड क्वार्टरली 3,000, हाफ ईयरली 6,000 एंड ईयरली 12,000। ये मिनिमम एन्यूटी होना चाहिए, उतना आपको मिनिमम प्रीमियम भरना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ECS कैसे भी आप प्रीमियम भर सकते हैं। इवन ऑल्सो अंडर मेन नैच यानी ECS कटिंग में आपका प्रीमियम भर सकते हैं। थ्रू सैलरी डिडक्शन ऑल्सो इज अलाउड। मोड ऑफ एन्यूटी ऑल्सो सेम वे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आप कैसे भी मोड ऑफ एन्यूटी चूज कर सकते हैं। एन्यूटी ऑप्शंस अभी हम ये समझ लेते हैं, इसमें 11 टाइप के ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि लाइफ एन्यूटी। लाइफ एन्यूटी मीन्स वॉट, कि मुझे पेंशन मिलते जाएगा पर जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है या जो भी मेरा कॉर्पस है वो LIC के पास ही रहेगा, इट विल नॉट बी गेट बैक। सो बट लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, नो डाउट। इसमें मैक्सिमम पेंशन इंटरेस्ट रेट इज मैक्सिमम इन दिस पॉलिसी, बिकॉज ये पॉलिसी में मुझे सिर्फ पेंशन मिलने वाला है, मेरे नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सेकंड ऑप्शन है लाइफ एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी मुझे पेंशन तो मिलेगा पर मेरे डेथ के बाद जो भी प्रीमियम मैंने भरा हुआ है वो नॉमिनी को मिल जाएगा, इट इज़ अ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन द डेथ। थर्ड ऑप्शन जो है कि ये यूनिक, अभी ये थर्ड से लेके 6, 7 तक का ऑप्शन है, वो यूनिक ऑप्शन LIC ने इंट्रोड्यूस किए हुए। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि मुझे तो पेंशन मिल जाएगा बट आफ्टर अटेनिंग एज 75 आई विल गेट 50% माय इन्वेस्टमेंट बैक। यानी समझो मैंने 1 लाख का प्रीमियम भर रहा हूँ, 15 साल के लिए भर रहा हूँ, सो आई विल पे 15 लाख रुपीज एट द एज ऑफ 75। मुझे पेंशन तो चालू हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल किसी लड़के का एज है 35 और उसने 15 साल का टर्म लिया, एक एग्जांपल लेके ही हम चलते तो आपको क्लियरिटी आ जाए। तो एज 35 है, 15 साल का पॉलिसी लिया है, तो 50 एज से उसको एन्यूटी चालू हो जाएगा। एट द एज ऑफ 75 ही विल गेट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट बैक, यानी 75 एज में उसको 7.5 लाख रुपया रिटर्न मिलेगा एंड बट उसका एन्यूटी विल कंटिन्यू, वो टिल लाइफ टाइम चालू रहेगा। जब भी डेथ हो जाएगा उसके नॉमिनी को बैलेंस 50% दिया जाएगा। अगर 75 के पहले अगर डेथ होता है तो 15 लाख मिलने ही वाला है, पर 75 के बाद में डेथ होता है तो ऑलरेडी आपको 50% दिया हुआ है, तो 50% ऑन द डेथ। सो दिस इज अ थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जनरली मैं इसके लिए ये गया, फोर्थ ऑप्शन इज अ वेरी गुड। फोर्थ एंड सिक्स एंड सेवन्थ ऑप्शन इज वेरी गुड ऑप्शन एज माय ऑब्जर्वेशन या माय व्यू पॉइंट। इसमें मुझे पेंशन तो मिलने वाला है सेम वे, 35 एज है, 15 साल का लिया, 50 एज के बाद उसको एन्यूटी चालू हो जाएगा। एट द एज ऑफ 75 ही विल गेट हीज इन्वेस्टमेंट बैक, यानी 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो 15 लाख रुपया उसको रिटर्न मिल जाएगा, एन्यूटी विल कंटिन्यू, एन्यूटी चालू रहेगा। जब भी डेथ हो गया तो नथिंग विल बी पेबल। आफ्टर 75 अगर डेथ होता है तो कुछ भी पेबल नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपका पैसा रिफंड हो चुका है। तो एट द एज ऑफ 75 यू विल गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक बट एन्यूटी कंटिन्यू टिल योर लाइफ टाइम। यानी ये पॉलिसी में रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 75, वेरी गुड ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन इज 50% रिटर्न ऑन द एज ऑफ 80। जैसा
थर्ड ऑप्शन में 75 एज में अपने को पैसा 50% मिलता था, वैसा ही चॉइस दिया है कि 80 एज में आपको 50% रिटर्न मिल जाएगा, एन्यूटी विल कंटिन्यू, 80 के बाद डेथ होता है तो बैलेंस 50% टू द नॉमिनी। एंड सिक्स्थ ऑप्शन 100% रिटर्न ऑफ द प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 80, यानी 50 से मेरा पेंशन चालू हो जाएगा, 50 से 80 तक मुझे पेंशन तो मिलने ही वाला है, 80 में मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न, एंड अगेन मेरा सेम पेंशन विल कंटिन्यू। पेंशन में कुछ भी चेंजेस नहीं है ये पैसा देने के बाद, योर पेंशन एज इट इज एज दैट अमाउंट विल कंटिन्यू टिल लाइफ टाइम। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि 80 के पहले डेथ होता है तो रिटर्न ऑफ द प्रीमियम है, पर 80 के बाद डेथ होता है तो ऑलरेडी आपको पैसा दिया गया है तो उसके बाद नथिंग विल बी पेबल बट पेंशन विल बी कंटिन्यू। ये चारों ऑप्शन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट आउट ऑफ दैट 4 and 6 इज अ वेरी गुड, बिकॉज एट द एज ऑफ 75 मेरा मुझे पैसा मिल गया और मुझे पेंशन चालू रहा, इट इज अ वेरी गुड कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाता है। और एक जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस LIC ने किया है कि आपका पैसा, आपको तो पेंशन, अगेन एग्जाम्पल सेम लेते हैं कि एट द एज ऑफ 35 मैंने पॉलिसी लिया, 15 साल का पॉलिसी है, 15 साल होने के बाद मुझे पेंशन आना चालू हो गया, मेरा एज जब भी 76 हो जाएगा उधर से मुझे पेंशन तो मिलने ही वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ जो एक्सेल में, पर 76 एज से मुझे तो मेरा पेंशन तो कंटिन्यू है, प्लस उसमें 5% ऑफ द मेरा इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर आई विल गेट विद माय पेंशन 76 to 95, यानी मेरा 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट का 5% कितना हो गया, 75,000। तो 75,000 मेरे एग्जिस्टिंग पेंशन के साथ एवरी ईयर 75,000 रुपीज एडिशनल आई विल गेट फ्रॉम 76 to 95। और अगर इसके बीच में डेथ हो गया कभी भी तो बैलेंस अमाउंट जो बचा है दैट विल बी गिवन टू द नॉमिनी। यानी अगर मैंने 10 साल लिया तो 5% से 10 साल मैंने लिया तो कितना हो गया, 50% कवर हो गया। तो बचा हुआ 50% है वो मेरे डेथ के बाद, अगर समझो 76 से चालू होने वाला, 10 साल यानी मैंने 85 तक लिया, मैंने 85 के बाद मेरा डेथ हो गया तो बैलेंस अमाउंट है वो नॉमिनी को जाए, बट मेरा पेंशन और ये अमाउंट एक साथ करीबन 20 साल तक मुझे दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन विच न्यूली इंट्रोड्यूस बाय LIC। सो अलग अलग टाइप के ऑप्शन के साथ आपके सामने LIC ने ये पेंशन प्लान रखा है, जिसका आप अच्छी तरह से गारंटी के साथ मिलने वाला पेंशन को आप यूज कर सकते हैं। देन सिंगल लाइफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये जॉइंटली है, दैट इज द 8th ऑप्शन, लाइफ एन्यूटी फॉर द जॉइंट लाइफ, यानी दोनों को पेंशन मिलेगा, एक के बाद दूसरे को सेम कंटिन्यू रहेगा, पर दोनों के डेथ बाद नथिंग विल बी पेएबल टू द नॉमिनी। तो जिसका कोई आगा पीछा नहीं है, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि बाबा मुझे मेरे पीछे कोई है ही नहीं तो थोड़ा मैं पेंशन ज़्यादा ले लूँ, तो इनके लिए ऐसा ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नथिंग विल बी पेएबल टू द नॉमिनी, बट उनको दोनों को पेंशन गारंटी के साथ जाएगा। 9th ऑप्शन है लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर जॉइंट लाइफ, यानी दोनों को पेंशन सेम मिलेगा, एक के बाद दूसरे को कंटिन्यू रहेगा, एंड आफ्टर दैट रिटर्न ऑफ द प्रीमियम टू द नॉमिनी। एंड लास्ट 2 ऑप्शन आर द सिंगल प्रीमियम, दैट इज लाइफ एन्यूटी विद द सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, यानी सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी डिफर्ड किया है उसके बाद पेंशन चालू हो जाएगा और डेथ के बाद नॉमिनी को मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा। एंड 11th ऑप्शन इज लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस विद जॉइंट लाइफ, यानी सिंगल प्रीमियम में जॉइंटली उनको पेंशन चालू हो जाएगा पर डेथ के बाद नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन के साथ अपने पास जीवनधारा पॉलिसी है, पर उसमें से जैसा मैंने बताया कि 4th, 6th, 7th ये ऑप्शन बहुत यूनिक ऑप्शंस है जिससे हम हमारा पेंशन, इट इज़ फॉर द सिंगल लाइफ पॉलिसी, सिंगल लाइफ के लिए है, पर इसका यूनिक चीज़ हम यूज कर सकते हैं। द एन्यूटी ऑप्शन वन सिलेक्टेड कैन नॉट चेंज, यानी ये पॉलिसी लेने के टाइम ही आपको चूज करने का है कि कौन सा ऑप्शन में लेना चाहिए। द जॉइंट लाइफ एन्यूटी कैन बी टेकन बिटवीन 2 लिनियल, जैसा मैंने पहले ही बताया, यू कैन टेक विद ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चाइल्ड, चिल्ड्रन, स्पाउस, सिबलिंग एंड पेरेंट इन लॉ,
किसके साथ भी जॉइंटली ये पॉलिसी हम ले सकते हैं। अभी अगर हम ये करेंगे कि ऑप्शन में क्या फर्क है, जो मेन ऑप्शन मुझे अच्छे लगे उसमें से, सो ऑप्शन टू ईयरली पेंशन 1,64,000, मैं 1,00,000 रुपया हर साल भरूंगा और मुझे पेंशन 15 साल के बाद मुझे पेंशन चालू हो जाएगा 1,64,740 का, मंथली पेंशन विल बी 13,179। ये ऑप्शन क्या है कि मेरे बाद पूरा पैसा घर वालों को मिलेगा डेथ के बाद, एक बार पेंशन चालू हो गया और उसके बाद कभी भी डेथ हो गया तो 1,50,000 रुपया नॉमिनी को मिलेगा। ऑप्शन फोर क्या था? ऑप्शन फोर ऐसा था कि एट द एज ऑफ 75 माई इन्वेस्टमेंट विल गेट बैक टू मी बट पेंशन विल कंटिन्यू। उसमें मेरा पेंशन कितना आता है? 1,56,480 आता है, मंथली पेंशन 12,518 आता है, मुझे 75 में 1,50,000 रुपये मिलेगा, मैं पेंशन विल कंटिन्यू टिल एंड। ऑप्शन सिक्स क्या था? एट द एज ऑफ 80 यू विल गेट 100% बैक। सो उसमें आपको 1,60,900 मिल रहा है, महीने का पेंशन 12,872 मिल रहा है। ये तीनों का मैं एक्सेल फाइल में आपको बताऊंगा, इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ऑप्शन सेवन इज दैट कि ये जो आपको दिख रहा है 13,017, ये पेंशन या 1,62,710 का पेंशन फ्रॉम द एज ऑफ 35 साल का लेगा 50 से आपको चालू रहने ही वाला है। 76 में आने के बाद आपको ये पेंशन के साथ आपको एडिशनल 1,50,000 रुपया भरा हुआ है तो उसका 5% यानी विन 1,62,710 प्लस 75,000 आपको हर साल आगे 20 इयर्स के लिए मिलेगा, 76 to 95, यानी आपका 20 इयर्स में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा डिवाइड करके। तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें रिटर्न भी अच्छा छुट्टा है और एक अपना इंक्रीजिंग पेंशन जैसा चालू हो जाता है एट द एज ऑफ 76। और पर्टिकुलरली ये मैं क्यों ऑप्शन अच्छा बोलता हूँ कि एवरी ईयर इन्फ्लेशन से खर्चा बढ़ता है, 60 से मेरा थोड़ा तो खर्चा बढ़ेगा ही इन्फ्लेशन से, तो वो टाइम पे 76 में मुझे एक एडिशनल फंड्स मिल जाता है। एक साथ फंड मिलने से शायद उसका यूज़ बराबर नहीं हो जाएगा, पर ये फंड मुझे मेरे पेंशन एग्जिस्टिंग पेंशन के साथ मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ गुड सॉल्यूशन फॉर आवर इंक्रीजिंग पेंशन प्लान। सो ऑप्शन सेवन है। एंड ऑप्शन नाइन जो रिटर्न ऑफ परसेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसमें 1,57,520 का पेंशन आएगा, तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट जो ऑप्शन आपको सही लगे 4, 6, 7 में से, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पॉलिसी है तो उसमें से आई सजेस्ट गो फॉर द 7, बट 4, 6 ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एज 35 में मैं अगर ये पेंशन प्लान लेता हूँ 15 साल के लिए तो 1,04,500 का मुझे पेंशन प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर और बाद में 1,02,500 का। फ्रॉम एज ऑफ 51 आई विल गेट द पेंशन ऑफ 1,54,080, वो एवरी ईयर मुझे पेंशन आते जाएगा। एट द एज ऑफ 75 1,50,000 रुपया मुझे रिटर्न मिल जाएगा। एंड देन ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि ये 75th ईयर में आपको 1,54,980 तो मिल रहा है प्लस 1,50,000, तो वो साल आपको 16,49,000 मिल रहा है एट द एज ऑफ 75। एंड देन ऑल्सो सेम पेंशन विल कंटिन्यू टिल यू अलाइव, उसके बाद में किसी डेथ हो गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दिस इज द ऑप्शन फोर में। वैसा ही ऑप्शन सिक्स जिसमें एट द एज ऑफ 80 यू विल गेट द इन्वेस्टमेंट इज सेम बट माय पेंशन इज लिटिल मोर 1,60,000 बिकॉज मुझे जो मेरा परचेस प्राइस है वो 5 साल के बाद मिल रहा है, 5 साल लेट मिल रहा है तो 80 में मुझे मिल रहा है, तो 1,50,000 रुपया मुझे 80 में आप अगर देखेंगे तो आपको विद पेंशन के साथ 16,60,000 मिला और आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। सो दैट इज द वन ऑफ द गुड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज दैट कि आप अगर देखेंगे आपको 1,62,000 का पेंशन मिल रहा है ईयरली, उसके साथ 76 से लेके एडिशनल 75,000, सो करीबन 2,37,000 आपको हर साल मिलेगा आगे 20 ईयर्स के लिए। और 20 ईयर्स के बाद इफ़ यू अलाइव यानी 96 के बाद भी अलाइव है तो अगेन सेम पेंशन विल कंटिन्यू। सो ये तीन यूनिक ऑप्शन के साथ LIC ने नया पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एडिशनल और बेनिफिट है वो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। अदर बेनिफिट्स क्या है? इंसेंटिव फॉर द हाई प्रीमियम एंड हाई परचेस प्राइस, जैसा मैंने पहले ही बताया। एनुअल इक्विवेलेंट प्रीमियम रेंज इज, आप जितना बड़ा लेंगे उतना उसमें पेंशन थोड़ा ज़्यादा है।
सिंगल इक्वेलेंट में सेम वे 3 लाख का लेंगे और 5 लाख का लेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 5 लाख का लेंगे और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। तो जनरली ये पॉलिसी अगर लेना है तो 25 लाख का अबव का पॉलिसी आप थोड़ा सा डिवीजन कर सकते हैं, पर अदरवाइज एक सिंगल पॉलिसी लेना एडवाइजेबल, बिकॉज उसमें इंसेंटिव अपने को ज़्यादा है। इंसेंटिव फॉर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, नॉमिनी, बेनिफिशियरी, कॉर्पोरेशन, रेगुलर प्रीमियम में 0.5% एंड सिंगल प्रीमियम में एडिशनल आपको ये इंसेंटिव मिल जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा पेंशन बढ़ जाएगा। ये एडिशनल इंसेंटिव ये पॉलिसी में पर्टिकुलरली दिया हुआ है, जो अभी तक कभी इंट्रोड्यूस नहीं था। ऑप्शन अवेलेबल अंडर द प्लान अवेलेबल फॉर द डेथ, डेथ में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, या आप ये ऑप्शन को आप डिवाइड करके ले सकते हैं इन नेक्स्ट 5, 10 एंड 15 ईयर्स में। जैसा पहले भी अपने कई पॉलिसी को है कि डेथ में जो पैसा आएगा मैं डिवाइड करके ले सकता हूँ, 5, 10 और 15 के इसमें मैं डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं लमसम ले सकता हूँ, या आने वाला पैसा फिर एन्यूटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तीनों ऑप्शन हम ये पॉलिसी में डेथ के बाद ऑप्शन यूज कर सकते हैं। टॉपअप, ये एक यूनिक थिंग मैंने जैसे बताया कि मुझे अभी पैसे का ज़्यादा लायबिलिटी, प्रीमियम का लायबिलिटी नहीं लेने का, जो रेगुलर प्रीमियम है, क्योंकि एक बार प्रीमियम डिसाइड किया मुझे कंटिन्यूसली वही भरना है, तो वो लायबिलिटी अगर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं ये एक चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ कि बाबा मुझे 1 लाख का प्रीमियम भरना है, पर मुझे 1 लाख के प्रीमियम में मेरा पूरा का पूरा 1 लाख का लायबिलिटी गारंटी फिक्स नहीं रखना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हर साल 50,000 का प्रीमियम रखूँगा और 50,000 का मेरे पास बफर रखूँगा, मुझे कितना भरना है। मिनिमम ये पॉलिसी में 50,000 का टॉपअप है, यानी अगर आपको एडिशनल प्रीमियम भरना है तो साल का 50,000 का मिनिमम भरना पड़ेगा, तो ये बफर रख के मैं पॉलिसी ले सकता हूँ। यानी मैंने 50,000 का प्रीमियम रखा, फिक्स रखा, नेक्स्ट ईयर मेरे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा बचा, इंसेंटिव मिला है ऑफिस से, तो मैं 50,000 में 1 लाख एडिशनल भर सकता हूँ, उसके नेक्स्ट ईयर मैं 50,000 भर सकता हूँ। ऐसा ये नहीं है, कंपलसरी नहीं कि टॉपअप सेम अमाउंट का ही होना चाहिए, टॉपअप मैं कितने भी अमाउंट का एडिशनल भर सकता हूँ, बट मिनिमम शुड बी द 50,000। तो ये एक अच्छा एडिशन मैं इसमें ये पॉलिसी में कर सकता हूँ, ये एक एडिशनल चीज़ LIC ने इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो पेइंग एडिशनल प्रीमियम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, द ऑप्शन कैन बी एग्जर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड ओनली, यानी जो भी पॉलिसी का आपने 15 साल या 10 साल या 5 साल का पीरियड यू चूज़ किया है, उसके बीच में आप ये एडिशन कर सकते हैं, एंड पॉलिसी इन्फोर्स रहना चाहिए। द एन्युटी अमाउंट फॉर द एडिशनल प्रीमियम ऑफ टॉप अप एन्युटी शैल बी बेस्ड ऑन द अवेलेबल प्रीवेलिंग एन्युटी रेट्स एंड कंडीशन, हाउएवर द मिनिमम एन्युटी इंस्टॉलमेंट लिमिट शिल नॉट बी एप्लीकेबल। यानी जो मिनिमम अमाउंट रहता है, जैसा पेंशन अगर मुझे चाहिए तो मैंने जैसा बताया कि ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि मिनिमम पेंशन शुड बी द 1,000 रुपीज, तो ये सब कंडीशन इसके लिए नहीं रहेगा। आपको मिनिमम 50,000 से लेके आप कितना भी टॉपअप कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे नहीं रहेंगे। ईच पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल प्रीमियम एज इंडिपेंडेंट, बेनिफिट पेएबल ऑन द डेथ और सरेंडर और ऑन सर्वाइवल एन्यूटी बेनिफिट शैल बी कैलकुलेट सेपरेटली, यानी इसका एक सेपरेट कैलकुलेशन होके आपको जो मेन एन्यूटी आ रहा है उसमें ये एडिशनल एन्यूटी ऐड होते जाएगा। जितना भी आप टॉपअप करेंगे उसका एन्यूटी का जो रेट रहेगा वो डिपेंड्स अपॉन द टर्म, यानी आज मैंने पॉलिसी लिया 15 साल का ली, नेक्स्ट ईयर मैंने 50,000 का टॉपअप किया, तो 50,000 का टॉपअप किया उसका टर्म कितना हो गया, 1 साल कम हो गया, 14 साल, तो 14 साल से जो एन्यूटी मिलने वाला वो आपके मेन एन्यूटी में ऐड होते जाएगा। ऐसे जितने भी टॉपअप करेंगे उतने टर्म वाइज उसको एन्यूटी ऐड होते जाएगा, और टोटल होके आपका एक एन्यूटी अमाउंट एवरी ईयर और एवरी मंथ जो भी आप चूज करेंगे वैसा आते जाएगा। सो द टोटल एन्यूटी अमाउंट पेएबल शैल बी द सम ऑफ बेस एन्यूटी एंड टॉपअप एन्यूटी, ये अलग अलग कैलकुलेशनों के टोटल अमाउंट आपको मिलते जाएगा। लिक्विडिटी ऑप्शन, ये एक एडिशनल ऑप्शन यूज किया हुआ है, दिया हुआ है फॉर द सिंगल एन्यूटेंट, दिस ऑप्शन टू रिसीव द लमसम अमाउंट इन द रिटर्न ऑफ रिडक्शन ऑफ इन एन्यूटी पेमेंट एंड शैल नॉट बी अप्लाई टू द टॉप अप एन्यूटी। ये कैसे है कि मैं ये ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ, कभी कर सकता हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट एन्यूटी, यानी मैंने 35 एज है, उसने 15 साल का पॉलिसी लिया, 50 साल से उसको एन्यूटी चालू हो जाएगा, 50 साल के बाद यानी 5 साल के बाद यानी 55 एज होने के बाद ये ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकता है। कितने बार कर सकता है, टोटल लाइफ में 3 बार ये ऑप्शन को यूज कर सकता है। किस तरह से, ही कैन विड्रॉ
पूरा सरेंडर नहीं करेगा, इट इज आई से एट इट इज अ पार्शियली मैं उसको विड्रॉ करते जाऊंगा, यानी द पॉलिसी होल्डर शैल रिसीव द लमसम अमाउंट करस्पॉन्डिंग टू द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रीमियम, यानी 15,000 का प्रीमियम है उसका मैक्सिमम अप टू आई कैन गो अप टू द 60% ऑफ द टोटल प्रीमियम, यानी टोटल मैंने 15,00,000 प्रीमियम भरा है तो 15,00,000 से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे 25% का प्रीमियम का बैक होना चाहिए, तो 15,00,000 का 25% कितना हो गया, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसका एन्यूटी उतना कम होएगा और एक लमसम अमाउंट ऑफ सरेंडर अमाउंट विल बी पेएबल टू दैट एम, यानी इमरजेंसी में आई कैन लिक्विडेट माई पॉलिसी नॉट फुल्ली बट पार्शियली आई कैन लिक्विडेट, और ऐसे 3 टाइम आपको चॉइस दिया जाता है, बट टोटल अमाउंट शुड बी नॉट मोर देन 60%, यानी मिनिमम 40% इंश्योरेंस के पास LIC के पास रखना ही पड़ेगा जिसमें आपको पेंशन कंपलसरी कंटिन्यू रहेगा। तो ये ऑप्शन लिक्विडिटी ऑप्शन भी एक एडिशनल ऑप्शन, पर्टिकुलरली ओल्ड एज में कभी भी पैसे का जरूरत पड़ेगा तो ये ऑप्शन को मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। वैसा ही एक ऑप्शन एडिशनल दिया हुआ है एडवांस एन्युटी ऑप्शन, ये पर्टिकुलरली जॉइंट लाइफ में दिए हुए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने, या और पेंशन चालू होने के बाद एक पार्टनर का डेथ हो गया और वो टाइम पे बाय चांस उनको पैसे का जरूरत है एक अमाउंट का, तो हियर आई कैन से दैट कि आई वांट 5 years एन्युटी इन एडवांस, और वो भी एडवांस आई कैन टेक परसेंटेज वाइज 1% to 100%, यानी फॉर एग्जांपल कि जॉइंट लाइफ में मुझे एक पेंशन आ रहा है, जैसा एक अगर एग्जांपल पकड़ता हूँ कि मुझे 1,00,000 का पेंशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 1,00,000 का पेंशन आ रहा है, एक पार्टनर का डेथ हो गया तो वो पेंशन दूसरे को तो चालू रहने वाला है, ये पेंशन जो है 5 साल का पेंशन मैं एडवांस में ले सकता हूँ, तो LIC क्या करेंगी, 5,00,000 का आपका पेंशन टोटल है तो डिस्काउंटिंग करके आपको एडवांस में देगी। अगर आपने 50% एडवांस लिया, 50% एन्यूटी का एडवांस लिया तो 50% एन्यूटी कंटिन्यू रहेगा, यानी 1,00,000 का एन्यूटी है, आपने 5 साल का डेथ हो गया एक पार्टनर का, दूसरे पार्टनर ने बोला मुझे 50% एन्यूटी मुझे एडवांस में चाहिए, तो 50,000 का 5 यानी 2,50,000 डिस्काउंटिंग करके मिलेगा, बैलेंस 50% जो 50,000 का है वो एन्यूटी कंटिन्यू रहेगा, 5 साल के बाद अगेन कंटिन्यू ऑफ द 1,00,000 एन्यूटी कंटिन्यू रहेगा, यानी इमरजेंसी में पार्टनर को एक लमसम अमाउंट लेने का चॉइस दिया गया है, पेंशन स्टार्ट होने के बाद डेथ हो गया तो ये चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं विद इन 6 months फ्रॉम द डेथ, वो ऑप्ट कर सकते हैं एंड ही कैन एक्सरसाइज द एडवांस एन्युटी ऑप्शन। तो ये एक यूनिक ऑप्शन, दो चीज जैना मैंने बताया कि सिंगल लाइफ के लिए लिक्विडिटी ऑप्शन एंड ज्वाइंट लाइफ के लिए एडवांस एन्युटी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन एक यूनिक चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है ये पॉलिसी में। पेडअप पॉलिसी, इवन पेडअप पॉलिसी, अगर पॉलिसी 2 साल के बाद प्रीमियम बंद करना बंद कर दिया और उसका एन्यूटी अमाउंट उसको पेडअप वैल्यू को आ रहा है, तो ऑन पेडअप वैल्यू ऑल्सो यू विल गेट द एन्यूटी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ऑन डेथ ड्यूरिंग द डिपॉर्मेंट पीरियड अंडर ऑल एन्यूटी प्लान एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड शैल बी पेएबल, यानी कभी भी डिफरमेंट पीरियड में डेथ होता है तो 105%, यानी अगर मैंने 10,00,000 प्रीमियम भरा है तो 10,00,000 का 105% कि मुझे एज अ डेथ में पैसा मिलेगा, एंड डेथ आफ्टर डिफरमेंट पीरियड 1/8 इज द जो मैंने बताया कि लाइफ एन्यूटी है उसमें रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस नहीं है तो नथिंग विल बी पेएबल, पर अदरवाइज जो भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम है दैट विल बी 100% रिटर्न टू द नॉमिनी। और जो अपने जो 75-80 जो भी हम पैसा ले रहे रिटर्न ऑफ द प्रीमियम उसमें बैलेंस विल बी रिटर्न टू द नॉमिनी। सरेंडर वैल्यू ऑल्सो इज अवेलेबल अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, ये पॉलिसी इमरजेंसी में आई कैन सरेंडर द पॉलिसी, कैन बी सरेंडर बाय द पॉलिसी एट एनी टाइम ऑन द पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, सरेंडर शैल बी अलाउड अंडर ऑल एन्युटी ऑप्शन। ऑन सरेंडर पॉलिसी द सरेंडर वैल्यू विल बी हायर ऑफ द गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू, यानी सरेंडर वैल्यू आफ्टर बिफोर डिपरमेंट एंड आफ्टर डिपरमेंट दोनों टाइम सरेंडर इज अलाउड, आप ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द दैट एवरी टाइम LIC विल डिक्लेयर व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द सरेंडर वैल्यू इन दिस पॉलिसी। अल्टरेशन इज ऑल्सो अलाउड, चेंज इन प्रीमियम एज आई सेड कि आप प्रीमियम मोड चेंज कर सकते हैं, एन्यूटी का चेंज कर सकते हैं, पर बिफोर एन्यूटी स्टार्ट यू कैन चेंज द एन्यूटी,
इवन लोन इज इमरजेंसी, आई कैन से सरेंडर करने से लोन लेना बेहतर है, क्योंकि लोन इमरजेंसी आई कैन पे द लोन, लोन ऑल्सो मैं ले सकता हूँ, और लोन रिपेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें से जब भी डेथ हो जाएगा तभी वो लोन का अमाउंट उसमें से रिकवर करेंगे. सो लोन ऑल्सो अवेलेबल इन दिस पॉलिसी. असाइनमेंट इज ऑल्सो अलाउड अंडर द प्लान एज पर द सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. जनरली एन्यूटी प्लान में असाइनमेंट अलाउड नहीं रहता है, पर ये पॉलिसी में असाइनमेंट ऑल्सो इज अलाउड. नॉमिनेशन तो करना ही करना है, सो नॉमिनेशन करना है. प्लान इज अलाउड फॉर द मेल फीमेल इंक्लूडिंग हाउस वाइफ एंड प्रेगनेंट लेडी, बिकॉज ये पॉलिसी विदाउट रिस्क कवरेज है, तो ये पॉलिसी हम किसको भी दे सकते हैं. प्लान इज अलाउड टू NRI, यानी नॉन रेसिडेंस इंडियन है, फॉर ऑल रेसिडेंस ग्रुप ऑल फाइव रेसिडेंस ग्रुप एंड फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन. अगर ग्रुप फाइव में है एंड उसके पास वैलिड OCI कार्ड है तो हम उसको फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन को भी ये पॉलिसी दे सकते हैं, जो इंडिया में उनको पेंशन कंटिन्यूसली चालू रहेगा. प्लान अलाउड फॉर फिजिकल डिसेबल पर्सन ऑल्सो. प्लान अलाउड टू ट्रांसजेंडर एंड विल बी अलाउड विद द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. ये भी एक एडिशनल ये इसमें ये पॉलिसी में डाला है कि ट्रांसजेंडर को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं, किसके साथ भी, उनके ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स के साथ हम ये पॉलिसी उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये ज़रूरी है पेंशन रखना, कि आगे चल के उनका संभल उनके साथ कौन रहेगा. तो वो उनके लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छा, एक अच्छा इंट्रोडक्शन LIC ने इसमें दिया हुआ है. स्टैंडर्ड एज प्रूफ इज मस्ट. नो मेडिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं है. प्लान नॉट अलाउड टू कीमैन एंड पार्टनरशिप, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ये पॉलिसी हम दे सकते हैं. मेल ऑर्डर बिजनेस अलाउड फॉर द ग्रुप फाइव, यानी हमारा क्लाइंट इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, देन ऑल्सो यू कैन टेक अ पॉलिसी अंडर ग्रुप फाइव. में जो भी कंट्रीज आते हैं उनको हम मेल ऑर्डर बिजनेस में हम पॉलिसी दे सकते हैं, जो इंडिया में उनको गारंटी के साथ पेंशन चालू रहेगा. सेगमेंटेशन, अभी हमने सब पॉलिसी के बारे में डिटेल बताया मैंने आपको, उसमें से जो ऑप्शन मुझे अच्छा लगा है, 4th, 6th and 7th ऑप्शन इज वेरी गुड ऑप्शन, वो ऑप्शन को हम चूज करके हम ये पॉलिसी ले सकते हैं. अभी हर एक पॉलिसी के पीछे कुछ ना कुछ एक सेगमेंट है, अपना सेगमेंट, यानी ये पॉलिसी के लिए कौन से सेगमेंट में मुझे देखना चाहिए जिससे ये पॉलिसी का मैं लोगों को कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ. फर्स्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयर के पास लॉन्गेटिविटी सस्टेनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, अपने पास एम्प्लॉय रहना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ अगर उनके लिए करेंगे तो वो एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयर के पास रहेगा, क्योंकि मालूम है कि इनके पास रहूँगा तो मुझे आगे कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं. तो ये बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के थ्रू हम ये पेंशन स्कीम में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसका दो ये है, एज अ इंश्योरेंस प्रोफेशन उसके लिए दो फायदा है, कि मैं एक कंपनी में, आजकल अगर हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितने हैं, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैं अगर एंट्री लेता हूँ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के थ्रू, कि आपका एम्प्लॉयी आपके पास सालों साल आपके पास रहने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आप उनको पेंशन दे सकते हैं. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसके लिए भी ज़्यादा और आधा घंटा लगेगा, पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ज़रूरी नहीं है कि सब एम्प्लॉय को कंपलसरी मुझे लेना है. अगर मैं बाकी कौन सा भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम में जाऊंगा तो कंपलसरी सब एम्प्लॉयज़ को ऑप्ट करना देना लेना पड़ता है और उनको ये फैसिलिटी देना पड़ता है. इधर मुझे ज़रूरी नहीं है, मेरे पास भले 50 एम्प्लॉय रहेंगे, अगर मेरे ये एक 5-6 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय मुझे लगते हैं कि ये रहने ही चाहिए, तो सिर्फ मैं आउट ऑफ 50 में 10 लोगों के पास भी उनके लिए भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और वो 10 लोगों के लिए मैं पेंशन का प्रोविजन दे सकता हूँ बाय दिस पॉलिसी. तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के थ्रू हम किसी भी इंडस्ट्री में हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और उसके बाद हर एक एम्प्लॉय का हम इंडिविजुअली भी पॉलिसी निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए एक प्रॉस्पेक्टिंग ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉलिसी है. मैं एक दोज सेकंड डोज हु डोंट वांट अ रिस्क कवरेज और प्योर एनएडी, बहुत जन को रहता है नहीं मुझे रिस्क और नहीं चाहिए, मैं टर्म प्लान लूँगा, म्यूचुअल फंड लूँगा, पर इसके साथ अगर ऐसे कोई माइंडसेट वाले हैं तो उनके लिए ये एक पॉलिसी मैं बता सकता हूँ कि इसमें इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं है और मार्केट रिस्क नहीं है, गारंटी है, फ्यूचर गारंटी है.
मैं एक इसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ कि हमारे पास जीवन धारा पहले भी था, 2002 या 3 में वो 2000 में बंद हो गया। वो टाइम पे LIC ने 12% का गारंटी के साथ जीवन धारा पॉलिसी था, आज भी हम उनको 12% से दे रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑल आवर LIC एन्यूटी प्लान्स कि आपका एन्यूटी रेट विल नॉट बी चेंज एक बार फिक्स होने के बाद। तो जैसा ये पॉलिसी का एन्यूटी आज शायद आपको कम लग रहा है, पर 20 साल के बाद यही आपको लगेगा कि अरे इतना मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बिकॉज वो टाइम पे 20 साल के बाद वो इंटरेस्ट रेट जो आज है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये एक ब्यूटी ऑफ द दिस LIC प्लान्स, ऑल एन्यूटी प्लान्स की योर एन्यूटी अमाउंट इज फिक्स एज ऑन टूडे व्हेन यू गो इंटर इन टू द स्कीम। सो दोज हु डोंट वांट अ रिस्क कवरेज एंड वांट प्योर एन्यूटी, इट इज अ गुड ऑप्शन। हेल्थ इश्यूज है तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए ज़्यादा प्रीमियम आ सकता है, राइड आ सकता है, या पॉलिसी देंगे भी नहीं। जैसे जिसको कैंसर हुआ है या हार्ट अटैक आ गया है, बाईपास हुआ है, देते हैं पॉलिसी, पर शायद प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। कैंसर रहेगा तो प्रीमियम पॉलिसी भी नहीं मिलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी। बट पेंशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो उनको हम ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं जो उनको पेंशन के रूप में एक फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अपर एज के लिए पर्टिकुलरली अगेन बिकॉज हेल्थ इश्यूज है तो पॉलिसी नहीं निकाल सकते, तो ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। यंग जनरेशन विद मिनिमम लायबिलिटी, नो रिस्क कवरेज, तो उनको हम ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। नो पेंशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आजकल अगर हम देखेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन नहीं है, तो एक कंपल्सरी कटिंग, कंपल्सरी सेविंग के नाते हम ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एनी प्रोफेशनल लाइक TV एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, एडवोकेट, एनी प्रोफेशनल, और पर्टिकुलरली ये अगर सेम अगर वो इंश्योरेंस नहीं चाहते ना, तो अपने पास जीवन उमंग, जीवन उत्सव, वेरी गुड प्लान विद इंश्योरेंस कवरेज ऑल्सो, टैक्स फ्री रिटर्न अप टू 5 लाख ऑफ प्रीमियम, ये सब प्लान है। पर अगर ये सब चीज़ नहीं चाहते हैं तो ये प्रोफेशनल लोगों के लिए पर्टिकुलरली हमको उनको बताना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल को कितना इंपॉर्टेंट है पेंशन का प्रोविजन करना। बिकॉज जब तक मैं सब अच्छा है तब तक चलेगा सब, बिकॉज प्रोफेशन को वैसा देखा तो रिटायरमेंट नहीं है। बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग हेल्थ वाइज ऑल्सो, माई अर्निंग इनकम विल स्टॉप एंड दैट टाइम दिस अमाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर यूर फ्यूचर लाइफ। तो उसके लिए अपने को ये बताना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट को उनके सामने रखना जरूरी है कि पेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और उससे हम ये लोगों के साथ ये पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट को ध्यान रखते हुए ये पॉलिसी को अपने को लोगों के सामने रखना है। सो थैंक्स टू BRDV, इट इज़ अ वेरी गुड प्लान। यू कैन एक सेगमेंट करो, जो जैसा मैंने बताया कि ये सेगमेंट में आपके लोग नहीं है, या ये सेगमेंट में कौन से सेगमेंट में अपने लोग है, लिस्ट बनाओ। लिस्ट पहला सेगमेंटेशन करना, किसी भी प्लान को सेगमेंटेशन करना जरूरी है। एंड एज पर दैट सेगमेंटेशन यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट एंड देन अप्रोच एज अ एनी कॉन्सेप्ट वाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ मी फॉर दिस जीवन धारा प्रेजेंटेशन। थैंक यू। BRDV चैनल पर आपका स्वागत है। BRDV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।